Good afternoon, everyone. जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मैं ओलंपिक कॉमनवेल्थ गेम्स देखता था, सपोर्ट भी करता था, टीवी में बैठकर खुश भी होता था जब एक मेडल मिलता था, टैली बढ़ती थी। लेकिन हमेशा से मेरे मन में ये जिज्ञासा थी कि यार ये खिलाड़ी जो है ये क्या खाते होंगे, कैसे ट्रेनिंग करते होंगे, क्या इनको फैसिलिटीज़ मिलती होंगी, क्योंकि ओलंपिक और कॉमनवेल्थ को मैं हमेशा क्रिकेट से बड़ा मानता था कि मुझे लगता था इनको लुक आफ्टर बहुत अच्छे से किया जाता होगा, इनको बहुत बढ़िया खाना मिलता होगा, न्यूट्रिशन मिलते होंगे, फिजियोज ट्रेनर्स मिलते होंगे, क्या हमें भी वो मिल सकते हैं। लेकिन जब मैं इन लोगों से मिला और इन लोगों के बारे में मैंने जाना तो मुझे पता चला कि शायद नॉट शायद नहीं कि जो फैसिलिटीज़ हमें मिल रही है उसका 10-20% भी इन लोगों को नहीं मिल रहा, और उसके बावजूद भी ये लोग मेडल्स लेके आ रहे हैं जो कि मेरे लिए बहुत ही बहुत खुशी की बात थी। और मुझे दुख इस बात का था कि अगर ये लोग इतनी कम फैसिलिटीज़ के बावजूद इतनी मेहनत कर कर भारत के को रिप्रेजेंट करते हैं और मेडल लेके आते हैं तो शायद ये डिज़र्व करते हैं कहीं ज़्यादा जो इन्हें मिल रहा है उससे। तो इस शो के द्वारा, हालांकि मेरा एक ही कंसर्न था जब हम लोग नेगोशिएशन कर रहे थे, मेक श्योर कि जितने मेरे डेज में स्पेंड करूं मुझे उसका कुछ हिस्सा ज़रूर मिले, बिल्कुल ही चैरिटी ना करूं मैं, लेकिन मुझे शो करना था तो मैं ना नहीं कर सकता था। पहली कन्वर्सेशन हमारी ये शुरू होती थी कि हाँ मैं शो करूंगा लेकिन कितने में करूंगा। लेकिन जब इनकी स्टोरियाँ मुझे पता चलनी शुरू हुई तो फिर वो मैटर नहीं करता कि मैंने कितने में की। बहुत सारे ऐसे एथलीट हैं शायद 13 जिनसे मैं मिला, उनकी स्टोरियाँ जब हम लोग कर रहे थे, पायल जो प्रोडक्शन संभाल रही थी, कि बहुत सारे ऐसे कट थे जो हम लोग नहीं चाहते थे वो कट हों, या वो चीज़ें हम लोग चाहते थे कि ना दिखाएं। जब इनसे पूछा गया कि भाई ये जो मिशंस आपने यहाँ बोले हैं, बातें जो बोली हैं, ये हम दिखा सकते हैं, ये बोले हमने बोली इसलिए कि आप लोग दिखाएं, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी कुछ एडिट किया क्योंकि हम भी चाहते हैं कि इन्होंने जो बोला है वो सही मायने में लोगों तक पहुँचे, ना कि गलत मायने में। तो उसमें काफ़ी हमने कट किया, हमारे इमोशंस थे वो भी हमने कट किए कि एक इंटरव्यू कोई ले रहा है वो रोते हुए अच्छा नहीं लगता टीवी पर। तो मेरे बहुत इमोशंस हर एक के साथ जब मुझे उनकी कहानियाँ पता चली, उनमें से ओपी कराना और संजीव कुमार दो आज यहाँ मौजूद हैं, जब मैं इनसे इंटरव्यू कर रहा था तो इनसे इनके बारे में जान रहा था तो मुझे केवल ये एक माइंड में आ रहा था कि मैं इनकी कैसे मदद कर सकता हूँ अगर हो सके मुझसे तो। बट इन्होंने किसी ने मुझे कहा कि उनको मेरी मदद की ज़रूरत है, उन्होंने कहा कि बस आप एक इंटरव्यू ले ले अच्छा सा, उसके बाद हम भी थोड़ा आप जैसे फेमस हो जाएं तो हमें हर चीज़ मिल जाएगी। तो इतने सिंपल हैं ये लोग। तो पहले मैं शुरुआत करूँगा संजीव से। संजीव मुझे बताइए कि जब आपने मुझे बताया इंटरव्यू के दौरान कि जो आपकी व्हील चेयर है वो 22 किलो की है, 20 किलो की है, और जो आपका पोजिशन में खेलता है वो केवल 4 किलो की व्हील चेयर पर खेलता है, तो आपको वो कितनी तकलीफें हुई जब वो चेयर आपको नहीं मिलती या आपके पास वो चेयर नहीं थी 4 किलो की, तो कितनी तकलीफें आपने सही वो प्रैक्टिस करते हुए कि तो वो थोड़ा आज आप इनको भी बताएं। सर जब मेरे पास वो व्हीलचेयर नहीं थी ना, एक्चुअली मैंने पेशेंट व्हीलचेयर से बैडमिंटन स्टार्ट किया था, और पेशेंट व्हीलचेयर पे बैडमिंटन खेलना एक बहुत टफ टास्क है, पर मेरा एक टारगेट था कि मैं हिंदुस्तान के लिए खेलूं और मेडल जीतूं। तो मैंने पेशेंट व्हीलचेयर एक कैंप से लिया और स्टार्ट किया खेलना। तो उसके बाद जैसे जैसे मैं उस गेम पे पेशेंट व्हीलचेयर पे खेलते हुए मैंने 6 महीने ट्रेनिंग की, और उसी साल में एशिया कप में क्वार्टर फाइनल खेला। क्वार्टर फाइनल खेलने के लिए मुझे एक बॉम्बे के ही दोस्त प्लेयर से व्हीलचेयर मांगना पड़ा, उस पर खेल के मैंने इंडिया के नंबर 1 प्लेयर को हराया और एशिया कप में क्वार्टर फाइनलिस्ट बना मैं। उसके बाद मैंने ज़िंदगी में दोबारा सोचा नहीं कुछ ऐसा। फिर उसके बाद मैंने एक 20-25 हज़ार की व्हीलचेयर ली, फिर उसके बाद एक फिर व्हीलचेयर ली मैंने, ये तीसरी चौथी व्हीलचेयर थी जिसकी वीरेंद्र सर बात कर रहे हैं, वो 25 किलो की व्हीलचेयर थी जिसको मैंने 2010 में लिया एशियन गेम हारने के बाद। उस पर मैंने इसराइल से स्टार्ट किया, तो इसराइल में मेरा ब्रॉन्ज आया वर्ल्ड 2012 में फ्रेंच गए तो मेरा वहाँ भी ब्रॉन्ज आया। तो मेरे मन में यही रहता था कि मैं ब्रॉन्ज से आगे क्यों नहीं जा पा रहा, क्योंकि 2009 में वर्ल्ड गेम तो मैं जीत ही चुका था सिल्वर मेडल। तो 25 किलो की व्हील चेयर पर ख़राब टायर के साथ आपको 5 या 7 किलो वाली व्हील चेयर के प्लेयर के साथ मुकाबला करना बहुत टफ काम हो जाता है, क्योंकि आपकी व्हील चेयर नहीं चलेगी, आप मूवमेंट नहीं करोगे तो आप स्ट्रोक भी नहीं ले पाओगे, और उसी वजह से मैं हमेशा हारता था।
तो मैंने शो के दौरान सर से डिस्कस किया, सर मेरी व्हीलचेयर, क्योंकि मैं उसी टाइम लास्ट हार के आया था कोरिया में एक प्री क्वार्टर फाइनल व्हीलचेयर की वजह से, तो मैंने सर शो के दौरान बताया, मैं कहा मेरी सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम एक व्हीलचेयर है। चलो तो ट्रेनिंग की अलग बात है, जब मुझे अच्छी ट्रेनिंग मिले तो मैं और अच्छा कर सकता हूँ। तो सर ने मुझे सपोर्ट किया और हमेशा हेल्प करने की बात की, तो मुझे वीरेंद्र सौ फाउंडेशन एंड मायो 94 के सहयोग से एक साल ट्रेनिंग करना और व्हीलचेयर मिला। तो जब मुझे वो व्हीलचेयर मिला तो सर उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मैंने 4 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज जीते हैं और पिछले 10 साल में एक ही गोल्ड आया था मेरा। जब हम शो में मिले तो उस टाइम मेरे पास 1 गोल्ड था, उसके बाद मैंने 4 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल देश के लिए जीते। व्हीलचेयर का इतना बड़ा रोल था सर, ये आपकी मेहनत थी, हमारा कुछ योगदान नहीं था। ओपी कराना का जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो उस समय शायद वो इंजरी से जूझ रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहानी बताई अपनी कि उनका जो कोच उनके साथ आया था तो उनको वहाँ बस रहने और खाने की इजाज़त बड़ी मुश्किल से मिली थी। तो भी खिलाड़ियों के कैरियर को बनाने में कोचेस का कितना बड़ा हाथ होता है। सर कोचेस को तो हम भगवान मानते हैं, तो भगवान ने दुनिया बनाई है तो खिलाड़ी तो कोच ही बनाएगा। तो कोच तो सर अगर नहीं है तो खिलाड़ी नहीं बन सकते आप, खिलाड़ी तो बन सकते हो चैंपियन नहीं बन सकते हो आप, क्योंकि खिलाड़ी तो शायद आई थिंक मतलब बाई बर्थ होता है कोई भी टैलेंट जो होता है, पर उसको जो ग्रूम करना है उसको शार्प करना है वो सब कोच के हाथ में है। आप कितने अच्छे कोच के हाथों में अंडर ट्रेनिंग कर रहे हो। तो मैं इस मामले में काफ़ी लकी हूँ कि मुझे काफ़ी देर बाद मिले, पर चलो देर आए दुरुस्त आए, तो आज मेरे पास आई थिंक मुझे उम्मीद ये लगता है और श्योर हूँ कि जो मेरे कोच हैं सामने बैठे हैं भूपेंद्र सिंह जी, और वो दुनिया के बेस्ट बेहतरीन कोच है, क्योंकि मैं दुनिया के ज़्यादातर सेंटर्स में ट्रेनिंग की है, लोगों के पास ट्रेनिंग की है, उन सबके पास काम करने के बाद मुझे पता लगा कि हिंदुस्तान में भी कोचेज हैं, परंतु उनको शायद सिस्टम उस तरह का यूज़ नहीं करता है और हम लोग उनको जो उनका ड्यू क्रेडिट है वो दे नहीं पाते हैं। तो सर कोचेज तो बहुत ज़रूरी हैं। शो के दौरान मुझे एक और बात पता चली थी कि ओपी शायद इंजरी के बाद इतने निराश थे वो खेल छोड़ चुके थे, तो उनके कोच ही थे जो उनके पास तक पहुँचे, उनको वापस लेके आए, मोटिवेट किया। मुझे ज़रा उस टॉपिक पे एक बार फिर से हम इनको बताएं। एक्चुअली सर मैं पिछले 18 साल से नेशनल लेवल पे खेल रहा हूँ, काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, काफ़ी लोगों के साथ भी काम किया है, पर जब मैं 2012 ओलंपिक्स के बाद वापस आ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि क्योंकि सच्चाई मतलब शुरू से बताऊँ तो मतलब हमने खेल शुरू किया, मैं आर्मी स्कूल से पढ़ाऊँ कि मुझे लगा कि बस मैंने वर्ल्ड चैंपियन बनना। अब ये मालूम नहीं था कि बनना कैसे, उसके लिए करना क्या पड़ता है, अब सोच लिया आपने तो कल पड़े, तो बट दिल में इच्छा थी और सच्चाई थी, काम करते रहे, तो मैं यंगेस्ट स्टेशन चैंपियन बन गया 2008 में ही, इंडिया रिकॉर्ड भी कर दिया मैंने, ओलंपिक भी खेल लिया, पर उसके बाद मुझे इंजरी हो जाती है। अब इंजरी हो जाती है तो सिस्टम क्या करता है, आपको छोड़ देता है, अभी कोई अब कोई और आएगा, वो आया तो कोई और आएगा, तो ऐसे टाइम पर क्या होता है कि खिलाड़ी को पता नहीं होता उसने करना क्या है, कितना टाइम उसने मतलब वेट करना है, कैसे करना है। तो वहाँ पे मुझे कोसा मिले और बोले कि तेरे पास अब खेल बच करने का टाइम आया है, अब तक तो तू मजा ही कर रहा था। तो मैंने कहा सर अब तो पॉसिबल ही नहीं है अभी, मतलब मैं जो इंजर्ड हो गया हूँ पिछले 2 साल से कुछ, और अब तो सिस्टम ही मतलब सपोर्ट नहीं करता है। तो कहता तू तेरे को मेरे पे विश्वास है, तू अगर तू मैं काम करवाना चाहूँ तो कर सकता है। मैंने कहा सर खेल तो मेरी ज़िंदगी है, अगर आप बोलते हो खेल सकता है तो मैं कर लूँगा। तो हमारी ऐसे एसोसिएशन शुरू हुई और सर उम्मीद करते हैं कि ये एसोसिएशन कुछ रंग लाएगी और देश को कुछ मेडल। कोचेस का बहुत बड़ा रोल होता है, हम क्रिकेटरों की लाइफ में भी हम हालांकि उतना क्रेडिट देते नहीं उनको, सारा खुद रख लेते हैं। लेकिन संजीव मुझे ये बताइए कि जब आप ने बैडमिंटन खेलना शुरू किया तो आपकी क्या स्ट्रगल रही, क्या कहाँ से शुरुआत की, कैसे किसने सपोर्ट किया, क्योंकि व्हील चेयर पर किसी ने सोचा नहीं था कि कोई बैडमिंटन खेल के इतना नाम कमा लेगा। सर वही जो मेरा एक सपना था, क्रिकेट खेल के जाना चाहता था, क्रिकेट से मैं बैडमिंटन में आया था, मैंने शो में बताया था आपको। खेले नहीं लेकिन क्रिकेटर के साथ तो बैठ गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद सर एक्चुअली मैंने प्लस टू के बाद ना ये मेरा एक टारगेट था कि मैं इंडिया के लिए खेलना है और कैसे खेलना है, मुझे बस वही रास्ता बना रहा था, मैं कुछ अलग करना चाहता था भी। सबसे पहले तो मैंने कभी ज़िंदगी में अपने आप को हैंडीकैप्ड ही नहीं माना, जिसकी वजह से मैं आज आप लोगों के साथ बैठा हूँ और इस मंच पे भाग्यशाली हूँ मैं। तो जब 2008 की बात है सर, मैं जब जनवरी में खेल के आया वहाँ से नेशनल चैंपियनशिप, तो मैंने डंडे के सारे बैडमिंटन खेला था स्टैंडिंग कैटेगरी में उड़ीसा के अंदर। तो वापस आया तो मेरे स्कूल में ना कुछ बच्चे खेलते थे, तो मैंने उनसे बात की यार मैं क्या मुझे बैडमिंटन खेलना है और मुझे सिखाओ। तो मैंने थोड़ा स्टैंडिंग तो मैं उनके साथ खेल के ही गया था,
तो उसके बाद मुझे ना रमेश टीकाराम जी हैं जो जो बैडमिंटन पैरा बैडमिंटन के जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने गाइड किया था कि आप व्हीलचेयर पे खेलो। तो मैं सर एक कैंप से पेशेंट व्हीलचेयर लेके आया था, तो उस पेशेंट व्हीलचेयर पे मैंने एक सीमेंट के कोर्ट पे बैडमिंटन स्टार्ट किया स्कूल के हॉल में। तो उन लड़कों के साथ मैंने 6-6, 7-7 घंटे खेलना, क्योंकि मन में यही रहता था चाहे कुछ खाने को मिले ना मिले, खेलना है और करना है। सामने एशिया कप था तो कोशिश यही थी कि एशिया कप क्वालिफाई किया जाए और खेला जाए। तो उन लड़कों ने मुझे बहुत मेहनत कराई और खेलते थे, मतलब सबके लिए। मुझे लोग स्कूल के बच्चे क्लास से बंक मार के देखने आते थे कि व्हीलचेयर पे कैसे खेल रहे हैं, और वो भी पेशेंट पे, सीमेंटेड कोर्ट है। किसी ने सोचा ही नहीं था, गांव में तो कोई सोच भी नहीं सकता कि बैडमिंटन खेल सकता है। पहली बात तो कोई हैंडीकैप्ड बैडमिंटन खेल सकता है ऐसा ही नहीं सोच सकता, और व्हीलचेयर पे खेलना तो एक अलग ही चीज़ थी। तो उनके साथ मैंने जब स्टार्ट किया ट्रेनिंग, तो वो काफ़ी नेशनल खेले हुए थे, स्टेट खेले हुए थे, अच्छे प्लेयर थे, तो उन्होंने मुझे गाइड किया और खेलता रहा खेलता रहा। तो सर 2008 के अंदर जब मैंने एशिया कप खेला और क्वार्टर फाइनल किया, उसके बाद जैसे व्हीलचेयर चेंज की और आगे बढ़ने के स्टार्ट किया, तो जो पेशेंट व्हीलचेयर थी उस पर तो मेरे काफ़ी इंजरी हो जाती थी, क्योंकि लगते थे उसके जो हाथ रखने वाले बने हुए हैं और वो पुश भी नहीं होती थी, चलती नहीं सर, कोई धक्का मारे तो नहीं चलती, कोर्ट में चलाना अलग बात है क्योंकि जब अब जो नई व्हीलचेयर है उस पर पता ही नहीं चलता, कितनी सेकेंडों में ही मूव कर जाते हैं, और वो तो धक्का मारने से चलने वाला काम था सर। धीरे धीरे पर मैंने कभी हार नहीं मानी, कोशिश करता रहा कोशिश करता रहा। फिर 10,000 की व्हीलचेयर ली, फिर 20,000 की व्हीलचेयर ली। 20,000 वाली व्हीलचेयर से मैंने बहुत मेडल जीते, बहुत ज़्यादा, अब तो मुझे गिनती याद नहीं रहती सर। पर जब आपने सपोर्ट किया और उस सपोर्ट के बाद जो मेरा टारगेट था, जो सपना था कि मैं देश के लिए ज़्यादा गोल्ड जीत सकूँ, वो व्हीलचेयर आने के बाद मेरा वो सपना पूरा हुआ। आपकी आपने ट्रेनिंग करवाई मुझे, और उसी का रिजल्ट है कि मैं आज वर्ल्ड नंबर 7 हूँ और इंडिया नंबर 1 हूँ, और रोड टू रेस जो टोक्यो 20 की रेस चल रही है उसमें भी मेरा 4th रैंक इस टाइम चल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं कर पाऊंगा सर। ओपी, खिलाड़ी को खेलने का तो बड़ा शौक है, मुझे भी क्रिकेट खेलने का शौक है, लेकिन वो जो मेहनत, जो जिम, वो जो 200-300 किलो की आप बेंच प्रेस मारते हो, जो ट्रेनिंग करते हो, उसका कितना महत्व है, तो वो उस पर थोड़ी नज़र डालिए, आप बताइए हमें। सर जैसा कि हमने इंटरव्यू दौरान बात की थी कि ये शॉट पुट है, ये मर्दों का खेल है सर, ये सर क्रिकेट की बॉल नहीं है, बड़ी बॉल है। मैंने कोशिश की थी उठा के फेंकने की, लेकिन मुझसे हुआ नहीं। तो सर एक तो मतलब इसमें मैं मेरा कोच का मानना है, जो धीरे धीरे हमने भी इसको मतलब एक्सपीरियंस किया है, कि जो एथलेटिक्स है वो जेनेटिकल गेम है। मतलब अगर जेनेटिक्स आपके स्ट्रांग हैं तो आप तभी एथलेटिक्स कर सकते हो वर्ल्ड लेवल पे। मतलब तो मेरे मदर जो फादर, मेरे ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, वो काफ़ी मतलब स्ट्रांग थे और घर में काम करते थे, गांव के रहने वाले हैं, तो भैंसों से ज़्यादा कुश्ती लड़ी है, काम किया है, तो उसकी वजह से मतलब मजबूत तो थे ही। फिर एक मौका मिल गया अच्छे स्कूल में पढ़ने का, वहाँ पे जो हमारे कोचेज वगैरह थे, मतलब उन्होंने एक डायरेक्शन दे दी खेलने के लिए, तो धीरे धीरे फिर पता लगा कि अच्छा ये बेंच प्रेस भी करनी पड़ेगी, इसमें ये करना पड़ेगा। पर मतलब मैं बाई गॉड ग्रेस मतलब शुरू से ही मतलब जो नॉर्मल आदमी था उसे थोड़ा मजबूत था, तो पर ये नहीं पता था कि आपको एक एक, क्योंकि शॉट पुट में क्या है कि एथलेटिक्स में क्या है कि एक मार्क है, वो मार्क अचीव करने के लिए क्वालिफिकेशन है। जैसे शॉट पुट है वो 20 मीटर मारने के लिए स्पेशली 200 मतलब 180 किलो की बेंच प्रेस है, वो 100 किलो की स्नैच है, ऐसे ही 22 मीटर मारने के लिए 250 किलो की बेंच प्रेस है, तो वो एक मार्क है, क्वालिफिकेशन है, उसकी उतनी स्पीड चाहिए, उतना जंप चाहिए। तो उस चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है हमारे जो खिलाड़ी हैं, क्योंकि हम तो तुक्के से खिलाड़ी बन जाते हैं। मैंने बताया कुछ शो में बताया था, कोई कहीं से आया, अच्छा कोई कोच मिल गया, अरे तू कुछ ये कर ले यार, मैं ठीक है कर लेते हैं भाई, बन जाता है। तो हमारे पास सिस्टम नहीं है कि जो प्रॉपर जो टैलेंट है उसको सही टाइम पर हंट किया जाए और फिर उसको ग्रूम किया जाए। तो सर हम तो भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, आप लोगों की दुआएं हैं यहाँ पहुँच गए हैं, आप उम्मीद करते हैं कि देश अच्छा, मतलब क्योंकि खेल जो है आज खेल का असली मकसद है कि विश्व के अंदर शांति के शांति से मतलब अपने देश का नाम रोशन करना। अब युद्ध तो होते नहीं है सर, वो ऐसे हिंदुस्तान पाकिस्तान वाले चलाते रहते हैं कि युद्ध करेंगे, होता तो है नहीं सर। अब युद्ध तो क्या खेल ही है सर, कि हम जितने ज़्यादा मेडल जीतेंगे, और मेडल जीतेंगे वो तभी सर जब हम मेडल के लिए तैयारी करेंगे। अब आप देखिए कि हमारे देश में हजारों गाँव हैं, लाखों गाँव हैं, और उन गाँव में स्टेडियम ही नहीं है, तो हर बच्चे के पास तो ग्राउंड की फैसिलिटी नहीं है, तो खिलाड़ी कहाँ से बनाएंगे। अच्छा फिर हमारा हर आदमी उसको बारे में वो खेल का मतलब सोचता है, गोल्ड मेडल जीतना या हारना, वही है मतलब उस खेल का मतलब। खेल तो एक फिटनेस की जो हाइएस्ट लेवल है वो है, पहले तो फिटनेस शुरू करेंगे ना हम लोग। तो सर ऐसा मामला है, तो धीरे धीरे काम होता है, हो रहा है। अभी पीछे राठौर साहब थे, बड़ा अच्छा काम कर रहे थे,
अभी थोड़ा बदल दिया, शायद थोड़ा और अच्छे करेंगे शायद जो अभी नए आए हैं। ऐसी उम्मीद लगा सकते हैं कि वो भी बेहतर काम करेंगे, हालांकि उन्होंने अनाउंस भी किया है कुछ, बट अगर मैं इनसे सवाल जवाब करता रहूँ तो शायद शाम हो जाएगी, क्योंकि अगर आप बेहतर है कि बुक पढ़े तो आपको सारे इनके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई उम्मीद इंडिया करके, उम्मीद करता हूँ कि शायद दूसरा भी पार्ट आए, मेरा भी थोड़ा रेवेन्यू बने, इनका भी थोड़ा रेवेन्यू बने, क्योंकि इस बार लोगों को पता चलेगा बड़े स्पॉन्सर्स आ सकते हैं, कॉरपोरेट इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट लेकिन उन खिलाड़ियों की कहानी है वो आगे आनी ज़रूर चाहिए। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि क्रिकेटर कोई खिलाड़ी नहीं है, जो ओलंपिक और कॉमनवेल्थ में भाग लेते हैं वो खिलाड़ी हैं, वो एक्चुअली देश के लिए खेलते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ओपी और संजीव, और धन्यवाद पिक और रूपा जिन्होंने ये बुक बनाई है, क्योंकि सीरियल तो शायद अब नहीं आ रहा है, कभी कभी आता है जब इनका दिल करता है, कोई स्पॉन्सर मिल जाता तो लगा देते हैं, लेकिन ये बुक एक ऐसी चीज़ है जो आपकी शायद घर के अंदर रहेगी, जो आपकी पूरी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आप उनको बता सकते हो, पढ़ सकते हो, इंस्पायर हो सकते हो। क्योंकि जब मैंने अपने बच्चों को दिखाया उम्मीद इंडिया, तो वो दो तीन दिन उन्होंने बड़ी मेहनत की उनको देखकर, तो उम्मीद है कि उस मेहनत को आगे कंटिन्यू करेंगे, भले ही उनके खेल के लिए उतनी मेहनत की जरूरत ना हो क्रिकेट के लिए, बट फिर भी उनको लगा कि उनको भी मेहनत करनी चाहिए, तो वो इंस्पायर हुए हैं इनकी स्टोरी से। वो वैसे ही बहुत सारे एथलीट्स, बहुत सारे बच्चे इंस्पायर होंगे इनकी स्टोरी से, वो भी शायद ओपी कराना या संजीव कुमार बनना चाहेंगे। तो मुझे बड़ा मज़ा आया, अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपको भी बड़ा मज़ा आएगा। धन्यवाद, थैंक यू।